हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधिस किचन। मैं हूँ निधि। आज हम बनाएंगे होममेड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यानी के मिल्क मेड को घर पे बनाना बहुत ही आसान है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहले आप जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हमने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और 200 ग्राम शुगर को लिया है और चुटकी भर हमने लिया है बेकिंग सोडा को। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए आप हाई फैट या लो फैट दोनों में से कोई भी मिल्क का यूज़ कर सकते हो। आपके घर पे जो अवेलेबल रहता है वो आप मिल्क यूज़ कर सकते हो इसमें। अभी हमने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम ये दूध को डाल देंगे जो हमने 2 ग्लास लिया है, और इसके अंदर अभी हम शुगर को भी डाल देंगे और अभी हम इसे गैस पे रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। हमें हाई फ्लेम पे ही इसे गर्म करना है। कंडेंस मिल्क को बनाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है हमें। एक तो पहले आप नॉनस्टिक कढ़ाई लो तो अच्छा रहता है इसके लिए, और हमें शुरू से अंत तक इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है, यानी कि आपको इसे चलाते रहना है। जो आप इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाते रहेंगे तो मलाई की लेयर बन जाएगी। जो मलाई की लेयर बन जाएगी तो हमारा कंडेंस मिल्क अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हमें शुरू से अंत तक चलाना ज़रूरी है। जैसे जैसे चीनी दूध में कैरेमलाइज होना शुरू हो जाएगी तब मिल्क का कलर चेंज होने लगता है। आप देख सकते हो कि हमारा कलर चेंज होने लगा है अभी, और हमारा मिल्क भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। मिल्क को ठीक होने में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अभी हमारा मिल्क ठीक हो चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से तुरंत झाग आना शुरू हो जाता है, लेकिन 2 से 3 मिनट में बैठ भी जाता है, लेकिन हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है, ये बात हमें भूलनी नहीं है, नहीं तो नीचे बॉटम में चिपक सकता है। ये हमारा कंडेंस मिल्क बनके रेडी हो चुका है। अभी हमने गैस ऑफ कर लिया है। गैस ऑफ करने के बाद भी हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे न आ जाए तब तक इसे कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो क्या होता है, इसके ऊपर मलाई जम जाती है, इसीलिए हमें इसे इस तरह से चलाते रहना ज़रूरी है। कंडेंस मिल्क ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, और फ्रिज में रखोगे आप तो इससे भी और ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसीलिए इसका हमें कंसिस्टेंसी इस तरह से चाहिए। आप इसे फ्रिज में 7 से 8 दिन तक स्टोर कर सकते हो। अभी हमारा ये कंडेंस मिल्क बनके रेडी हो चुका है। आप इसे आइसक्रीम, डेजर्ट या केक में इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसकी स्वीट्स भी बना सकते हो। मैं तो इसकी बाउंटी बार चॉकलेट बनाऊंगी। ये कंडेंस मिल्क को आप घर पे बनाओगे तो कभी भी बाज़ार से ख़रीदना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी बनके रेडी होता है और बाज़ार से बहुत ही कम प्राइस में बनके रेडी हो जाता है। आपको हमारी होममेड कंडेंस मिल्क की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। हैप्पी कुकिंग।